हेलो एवरी, मोस्ट वेलकम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन बैंक क्लास टेंथ। जो क्लास टेंथ की जो क्वेश्चन बैंक है उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कुछ फिलर दिए हैं जिनको आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ही नोज द बॉय इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। तो वह बालक को जानता है इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, जिसको ब्लू शर्ट पहन रहा है। लेकिन यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट दिए हैं, विच, हु और वेयर। तो वेयर का इस्तेमाल किसी प्लेस, किसी जगह को दिखाने के लिए होता है, किसी जगह को बताने के लिए वेयर का इस्तेमाल होता है। बट यहाँ पर तो एक बॉय की बात हो रही है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति की बात जब सेंटेंस में होती है तो वहां पर हु का इस्तेमाल होता है। तो हमारा सही सेंटेंस तैयार होगा, हु ही नोज द बॉय, वहां उस बालक को जानता है, हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, जो कि ब्लू शर्ट पहन रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, हिज ब्रदर इज आरजे इन लोकल रेडियो चैनल। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया है ए इन द। आर्टिकल अगर आपने डिटेल से नहीं पढ़ा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, जहां पर आप ए इन द के जो वीडियोस हैं उनको आप डिटेल से देख सकते हो। ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है और ज्यादा प्रयोग कहाँ पर होता है, ठीक है। तो डिटेल से आप उस वीडियो को देख लेना। अभी हाल फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने वाले हैं, हिज ब्रदर इज आरजे इन लोकल रेडियो चैनल। सबसे पहले हमें द का इस्तेमाल करके देखना है। यहाँ पर ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल है और जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है। दा का इस्तेमाल कहाँ होता है, जो डेफिनेट चीजें होती है उनके लिए दा का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए द्वीप, महाद्वीप, सागर, महासागर, खाड़ी, पर्वत, पठार, धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक इमारत, नदियों के नाम, वाद्य यंत्रों के नाम, राजनीतिक पार्टियों के नाम, इन समस्त नामों के आगे आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, ठीक है। तो जो चीजें डेफिनेट होती है, जो डेफिनेट चीजें होती है उनके लिए आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। तो जो ब्लैंक दिया हुआ है उस ब्लैंक के सामने जो वर्ड लिखा है उस वर्ड को देखना है कि क्या यहाँ डेफिनेट वर्ड तो नहीं है। अगर ये डेफिनेट वर्ड है तो हम इसमें आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आरजे लिखा हुआ है, आरजे क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है। जब शॉर्ट फॉर्म दी हुई है तो ये कोई डेफिनेट वर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं दो, ए और एन। ए का इस्तेमाल कहां होता है और एन का इस्तेमाल कहां होता है, ये देख लीजिए। उन शब्दों के पूर्व जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन होते हैं उनसे प्रारंभ होता है, वहां पर आर्टिकल ए का इस्तेमाल होता है। एन का इस्तेमाल उन शब्दों के पूर्व जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं, मतलब वोवेल्स होते हैं, उनके लिए आर्टिकल एन का इस्तेमाल होता है। कैसे हल करना है इसको, जो वर्ड दिया हुआ ब्लैंक के सामने उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना है, उसका हिंदी उच्चारण करना है, आर जे, आर जे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो पहला अक्षर उसको देखना है, उसका साउंड देखना है कि वो वोवेल से आ रहा है कि कॉन्सोनेंट से आ रहा है। यहां पर आर लिखा हुआ तो आर में पहला अक्षर क्या आ रहा है, यहां पर वोवेल आ रहा है, वोवेल साउंड दे रहा है। जब वोवेल साउंड देता है तो वहां पर आर्टिकल एन का इस्तेमाल होता है। तो सही आर्टिकल यहां पर हो जाएगा एन। थर्ड सेंटेंस दिया हुआ है, देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, सम एनी मेनी। ये तीन डिटर्मिनर्स यहां पर दिए हुए, सम का इस्तेमाल कहां होता है, एनी का इस्तेमाल कहां होता है और मेनी का इस्तेमाल कहां होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव दिया गया हो तो ऐसे सेंटेंस में सम का इस्तेमाल होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब बिना नॉट वाला, ठीक है। यदि सेंटेंस नेगेटिव दिया गया हो तो नेगेटिव सेंटेंस में एनी का इस्तेमाल होता है। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉट दिया गया हो। मेनी का इस्तेमाल कहां होता है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, जो चीजें काउंटेबल होती है जिनको गिना जा सकता है उसके लिए मेनी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं हम, सबसे पहले
सेंटेंस नेगेटिव अर्थ दे रहा है, देयर इज नॉट वाटर इन द पूल। जब नेगेटिव अर्थ देता है सेंटेंस, तो नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें एनी का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा, देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल, पूल में कोई भी पानी नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पर एनी हुआ। अच्छा, यहाँ पर सेंटेंस में सम का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव था, इसलिए सम का इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर मैनी का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? मैनी का इस्तेमाल जो मैनी का इस्तेमाल होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, काउंटेबल नाउन जिनको गिना जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ था, ब्लैंक के बाद में यहाँ पर वाटर लिखा हुआ है और वाटर मीन्स होता पानी, और पानी को गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। जब हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिन चीजों को काउंट नहीं किया जा सकता उनके लिए मैनी का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या दिया हुआ है? एनी। और तो सेंटेंस दिया हुआ है, ही हैज मैनी प्लेस, उसने कई प्लेस लिखी हैं, वह कई नाटक लिख चुका है। यहाँ पर राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, यहाँ पर राइट वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, और ये थर्ड फॉर्म दी हुई है। राइट, रोट, रिटर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें ये देखना है हमें। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज दी हुई है, और जब हैज दी हुई है तो यहाँ तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस हैज से पता चल रहा है कि यहाँ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? हैज और हैव। हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है, और हैव का प्रयोग आई और प्लूरल नंबर के लिए यूज होता है। साथ में इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, और इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर सेंटेंस में हैज दिया हुआ है, इस हैज से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो हमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर थर्ड फॉर्म कहाँ दी हुई है? यहाँ पर रिटर्न। तो सही आंसर बनेगा हमारा, ही हैज रिटर्न मेनी प्लेस, फिफ्थ सेंटेंस दिया हुआ है। आई टेक योर पेन, और यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। सेंटेंस के प्रारंभ में हमें एक मॉडल वर्ब यूज करनी है, निम्न में या फिर यूज्ड। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? यहाँ पर परमिशन मांगी गई है, आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। जब परमिशन मांगी जाती है तो वहां पर मॉडल वर्ब मे का इस्तेमाल होता है। तो सही आंसर बनेगा हमारा यहाँ पर, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। ठीक है, तो परमिशन, जहां सेंटेंस में परमिशन दी गई हो, परमिशन लेना या परमिशन देना, वहां पर मे का इस्तेमाल होता है। वैसे अगर देखा जाए तो मैं और कैन, मैं और कैन दोनों वर्ब ऐसी हैं जिसमें परमिशन मांगा जाता है। मैं के लिए भी मैं और कैन दोनों का इस्तेमाल परमिशन मांगने के लिए होता है। जब परमिशन मांगना हो परमिशन लेना हो या परमिशन देना हो, तो वहां पर मैं और कैन दोनों का इस्तेमाल होता है। अब दोनों में अंतर क्या है? जब हम अपने से बड़ों से परमिशन मांगते हैं तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं, जब हम अपने छोटों से परमिशन मांगते हैं या बराबरी वालों से परमिशन मांगते हैं तो कैन का इस्तेमाल होता है। जब हम अपने से छोटों को परमिशन देते हैं तो कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए दोनों का ही इस्तेमाल होता है, मे और कैन। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कैन तो दी नहीं थी, ऑब्जेक्टिव में केवल मॉडल वर्ब मे का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था, इसलिए हमने यहाँ पर मे लगाया है, मे आई टेक योर पेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पांच सेंटेंस कंप्लीट होते हैं।